कोरोना के समय में एक तो जान बचाना जरूरी है, दूसरा आजीविका का भी संकट है, लेकिन कई ऐसे लोग हैं जो उस बाबत भी अपना हाथ आगे बढ़ा रहे हैं। कोरोना की पहली लहर का सबसे क्रूर प्रहार आजीविका पर हुआ था। मजदूर घरों को लौटने को मजबूर थे, लेकिन घर पर भी काम कहां था। यूं तो मनीष त्रिपाठी एक फैशन डिजाइनर है, लेकिन उन्होंने शहर से गांव तक का एक कार्यक्रम शुरू कर दिया, जिसके तहत पिछले साल गांव की महिलाओं को मास्क बनाने का काम दिया। इसका एक हिस्सा गरीबों को मुफ्त बांटा गया और इस साल मंदिरों में देवी देवताओं के वस्त्र बनाने का प्रशिक्षण इन महिलाओं को दे दिया गया। उसको डायरेक्टली ग्रामीण रोजगार से जोड़ा मैंने और उसको मैंने ये कोशिश करी कि कैसे ये जो परिधान थे, जो ये जो प्रभु श्री राम के लिए बनने थे, ये इनकी एक ट्रेनिंग हमने इस गांव में देनी शुरू करी। अच्छा, मतलब सब ट्रेंड है अब ये बनाने। बिल्कुल, एक हमने एक इंडिकेट एक प्लान बनाया कि कैसे कटिंग से लेके फिनिशिंग से लेके क्वालिटी सब कुछ, मतलब जो भी चीजें एक डिजाइनर परिधान बनाने के लिए जरूरत होती है उनकी पर डे वाइज से एक हमने करिकुलम बनाया और उसमें इन सभी महिलाओं को ट्रेन करने के बाद अब ये महिलाएं ही इन परिधानों को, श्रद्धा भी और काम भी। काम भी, बिल्कुल। गाजियाबाद के इस गांव की ये महिलाएं यहाँ रामलला के वस्त्र बना रही हैं। श्रद्धा भी है और आजीविका भी। कैसा लगता है कि मतलब जिनकी आप लोग पूजा करती हैं वही पहनने वाले हैं? हाँ जी, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, सबको बहुत अच्छा लग रहा है। ये तस्वीरें इसीलिए आज के दौर में बेहद जरूरी है दिखाना, क्योंकि ये नक्सल प्रभावित बीजापुर के अबूझमाड़ की। अबूझमाड़ को नक्सलियों की अघोषित राजधानी कहा जाता है। ये हेल्थ वर्कर इतनी परेशानियां उठाते हुए वैक्सीनेशन के लिए जा रहे हैं। हमारी हेल्थ टीम भैरमगढ़ से नदी, इंद्रावती नदी के उधर, जिसको माड़ एरिया में जाना जाता है, जा जाके भी वैक्सीनेशन कर रही हैं। उसमें हमारे हेल्थ विभाग से सारे डॉक्टर्स, बी सुपरवाइजर, ANM और मितानी सब अपना 100% कोशिश कर रहे हैं वैक्सीनेशन करने के लिए। कोरोना का टीका सबके लिए बहुत जरूरी है और इसी जरूरत को जिंदगी से बड़ा मानते हुए ये स्वास्थ्य कर्मी पहुंचे हैं और लगातार ऐसे दुर्गम स्थानों तक पहुंच रहे हैं। बस्तर के इन वीरों को भी एक सलाम। कैसे हार जाएं हम जबकि जिस्म में सांस अभी बाकी, कैसे हार जाएं हम जबकि विजय की आस अभी बाकी, जीतना ही है हमें और हम ही जीतेंगे। कैसे हार जाएं हम जबकि विश्वास अभी बाकी।